क्या हुआ? नहीं पढ़ना? फिर स्कूल कैसे जाओगे? ये काटा क्यों? ये आपने इतना बढ़िया लिखा है सारा, ये देखो ई भी अच्छा बनाया है मेरी बेटी ने, अब यहाँ पे एफ भी बहुत अच्छा बनाएगी मेरी बाबू। लिख के दिखाओ मम्मा को एफ। फैन चला दूँ आपके लिए? गर्मी लग गई आपको? स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एंड अदर सिर्फ क्या। यस, देखो आता तो है आपको इतना अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बहुत बढ़िया हैं और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। आज है सैटरडे का दिन और बच्चों की हो रही है ज़बरदस्ती पढ़ाई, क्योंकि ये खेले जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। मैंने कहा इससे अच्छा ये करो कि तुम पढ़ लो, थोड़ा तुम्हें आ भी जाएगा और तुम लड़ाई भी नहीं करोगे, है ना, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। तो सैटरडे का दिन है, मोस्टली काम मेरा हो चुका है और हनी के पापा ऑफिस जा चुके हैं। लगा रखी है मैंने मशीन, देखिए वहाँ चल रहे हैं कपड़े धुलाई का काम मेरा। हाँ काजल, आपके दाना हो जाते हैं ना यहाँ पे, फिर लेके आओ फिर मम्मा का काजल। मेहू का दाना ना पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, जब भी मैं काजल लगा रही हूँ ना वो दाना वापस फिर उभरने लग जा रहा है, इसलिए अब मैं काजल लगाती नहीं हूँ। ये रखा है नीचे, रखा है ना देखो डब्बी के साथ, ऊपर देखो बंद करो इसे। इसके भी मेकअप खत्म नहीं होते हैं, दिन भर से ये 3 बार कपड़े बदल चुकी है और फाइनली ये कपड़े पहने इसने। हाँ आज ना पता है हमने क्या किया, आज बच्चों के भी हमने कपड़े निकाल दिए क्योंकि फुल स्लीव के चल रहे हैं और ना गर्मी पता नहीं एकदम ही मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। अभी चल रहा है ये मार्च और गर्मी हो रही है मई जून वाली, तो इनके बच्चों के फुल स्लीव के कपड़े थे, स्वेटर वगैरह तो हमने सारे रख दिए, बस टी शर्ट थी जो फुल स्लीव थी, मैंने कहा यही पहन लेंगे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, फुल स्लीव टी शर्ट झेली नहीं जा रही है। तो आज ना हमने कपड़े भी निकाल दिए, देखिए इस जगह पर रखते हैं हम लोग कपड़े जो ये ऊपर वाला है ना, तो मौसम चेंज होता है तो हमारे जो कपड़े वगैरह वो सारे वहाँ पे जाते रहते हैं। विंटर्स के काफ़ी कपड़े हमने रख दिए, बस थोड़े से इनके बच्चों के हैं वो रखने हैं और इनके कपड़े निकाल के ना आज मैं धो रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, जब कपड़े दोबारा यूज़ करते हो तो धोते हो उनको? क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं कि कपड़े निकाल के ना धूप वगैरह दिखा देते हैं और फिर पहन लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जैसे कपड़े निकालते हैं, जैसे सीज़न चेंज हुआ ना फिर कपड़े निकाले हैं तो पहले हम उसे धोएंगे उसके बाद फिर उसे यूज़ में लेंगे। तो हमारे तो चल रहे हैं, हम लोग ने तो स्टार्ट कर दिया ये सब, तो बच्चों के निकाले हैं हमने आज सुबह सुबह, तो मैं वही कपड़े धो रही हूँ। मोस्टली मेरे ना कपड़े इसीलिए बढ़ गए, इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बच्चों के वो कपड़े हो गए थे इस वजह से। इसको दूसरी टी शर्ट पहनो ना, इसका नेक बहुत बड़ा है। नहीं नहीं जाओ दूसरी टी शर्ट पहनो, इसको रात को पहनो। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ और जैसा कि आपको पता है कि 2 बालकनी है हमारी, तो इस बालकनी में मैं कपड़े धोती हूँ और दूसरी वाली बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ, तो बस यहाँ से धोते हुए कपड़े मैं वहीं ले जा रही हूँ सुखाने के लिए। और अब है आफ्टरनून का टाइम और इस समय देखिए जो मेरी ग्रीन टी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उसे मैं अभी जो है डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बहुत अच्छी लगती है मुझे ये ग्रीन टी। ये देखिए यहाँ पे ना मैंने हल्दी डाली है, कल बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं ये और क्यों आ रही हैं, ये देखो ये फिर आ गई है यहाँ पे, मुझे दोबारा से और हल्दी डालनी पड़ेगी। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन पता नहीं क्यों आ रही हैं यहाँ पे, कुछ मीठा भी नहीं डाला है। तो अभी कल मैंने पूरा है ना पूरा किचन मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया था कि यहाँ पर कोने में ना हो, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं मीठा, तो पता नहीं कहाँ से आ रही है ये चींटी, समझ में नहीं आ रही मुझे। इसमें ना और हल्दी डाल देती हूँ मैं, ले हल्दी और मैं डाल देती हूँ सारे में, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये चींटियाँ। हल्दी तो मैंने डाल दी है, तो खाना पीना सारा हो चुका है, अब धोने मुझे ये बर्तन बस, तो चलो फिर बर्तन धोते हैं। ये देखो यहाँ पे भी आ गई थी ये चींटियाँ, मैंने रात को यहाँ पे भी हल्दी डाली थी तो साफ़ नहीं किया था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, गंदा लग रहा होगा ना आपको देखने में, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। खाना वाना सब निपट चुका है तो यहाँ पर मैं बर्तन धो ले रही हूँ और ये देखिए अब दोपहर में हनी के पापा आ गए थे जल्दी ऑफिस से, सैटरडे का टाइम है ना तो जल्दी ही छुट्टी हो जाती है इनकी, तो हमें करना था क्लीनिंग संडे को, तो
इन्होंने बोला कि संडे तो मुझे ऑफिस जाना है, इसलिए हम फिर इवनिंग में ही स्टार्ट हो गए काम करना, क्योंकि फ़ैन वगैरह हमें सारे क्लीन करने थे। और जितने भी वैसे तो वॉल वगैरह के जाले मैं निकालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना अब हनी के पापा जिस दिन सफाई करने बैठते हैं ना, सच में इतनी डेंजर वाली सफाई होती है ना, तो मतलब आप ज़रा सा भी दीवार गंदी देख नहीं सकते हो, वहाँ पर इतना साफ़ कर देते हैं बिल्कुल ही। तो बेडरूम में भी दोनों पंखे अच्छे से साफ़ कर दिए हैं चादर बिछा के, ये देखिए अब इन्होंने घड़ी पकड़ ली है मतलब जब ये साफ़ करते हैं ना तो मतलब कुछ नहीं छूट सकता वहाँ पे क्लीनिंग में। और अगर एक घंटा लगने वाला है ना तो ये इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना कि 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने बेड पे मैंने चादर बिछा दी थी, एक पुरानी चादर थी मेरी, तो यहाँ का पंखा अच्छे से साफ़ हो गया था। अब पूरा मैं यहाँ पर साफ़ कर ले रही हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के, और वो चादर और बिस्तर सब झाड़ दिया है। तो ये अलमारी के ऊपर भी ना न्यूज़पेपर लगा के हनी के पापा ने ऊपर भी क्लीन कर दिया है सारा, और फिर मैंने अलमारी भी साफ़ कर दिया, कपड़े से पोंछ दिया है। तो ये जो सीढ़ी है ना, हम ये जो लेडर है ये छत से लेके आते हैं हम, तो मतलब जितना हमारा काम है अगर हम लेके आए हैं इस लेडर को नीचे, तो सारा का सारा हम सोचते हैं कि निपट ही जाए जितना भी हम कर सकते हैं इससे काम, क्योंकि जो ऊंचाई का काम है ना वो स्टूल वगैरह से नहीं हो पाता है, उसके लिए ये लेडर ही चाहिए होती है। क्या अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए टेबल हटा के, डाइनिंग टेबल हटा के, यहाँ के फ़ैन भी साफ़ कर रहे हैं। तो हनी के पापा हैं तो खाली फ़ैन तक बात नहीं चलेगी, तो पूरे जो रैग वगैरह हैं और ऊपर जो रॉड होती है ना जिसमें कर्टन वगैरह लगाते हैं, तो वो भी साफ़ किए कर दी उन्होंने निकाल के। तो वो ऊपर से क्लीन किए जा रहे थे, मैं नीचे नीचे पूरा साफ़ किए जा रही थी। तो वैसे तो डेली हो ही जाता है सारा साफ वही है, लेकिन फिर भी जैसे दीवार वगैरह झाड़ी थी तो हो ही जाता है गंदा। यहाँ पे इन्होंने ये रैग भी क्लीन कर दिया है, और जो उसमें सामान वगैरह रखा हुआ था ना वो थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज कर दी है, और यहाँ पर सफाई कर दिया। तो डाइनिंग टेबल वापस लगा दिया है सब झाड़ झूड़ के। तो हनी के पापा के साथ यही है कि इनकी जो क्लीनिंग होती है ना बहुत ज़्यादा डीप वाली होती है, ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करते हैं हर चीज़ की। तो फ़ैन वगैरह तो खैर मुझसे साफ़ नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम छत से लेडर ला के, तो ऊपर फ़ैन वगैरह हो गया, ऊपर की रॉड हो गई, वो सब कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वो पुरानी चादर है सोफ़े पे लगा दे रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर वाला फ़ैन अब ये करेंगे साफ़, और दीवार में इधर उधर भी झाड़ेंगे। तो जाले वगैरह तो वैसे कुछ है नहीं, तो अब मैंने यहाँ पर कपड़ा गीला करके दे दे रही हूँ, तो ये अच्छे से फ़ैन को साफ़ कर देंगे। तो ये वाली क्लीनिंग ना हमारी महीने में होती ही है, तो गंदे होते हैं ना पंखे तो इनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, थोड़ी सी भी उसमें डस्ट आने लग जाती है ना तो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहीं पे भी धूल दिखे या जाले वगैरह या कुछ, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये इस चीज़ के लिए कि गंदगी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अलमीरा है, उसके ऊपर भी न्यूज़पेपर चेंज कर दिया है, और फिर वही बच्चों के टैडी वगैरह या कुछ काम की चीज़ें रखती हैं। क्लीनिंग हम कर रहे थे ना वो कंप्लीट हो गई है, एक्चुअली कल संडे है ना तो उनकी छुट्टी होनी थी, वैसे तो सैटरडे भी होती है लेकिन वो ऑफिस चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि कल संडे है तो सफाई वगैरह करनी थी हमें, हमने सोचा हुआ था पूरे पंखे वगैरह यू नो ये वॉल वगैरह पूरी, अगर जाले वाले, वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ जाले क्लीन, बट क्या होता है कभी कभी ना ऐसे रह जाता है जो हमें दिखता नहीं है ना डेली में जो हमें दिखते नहीं हैं जाले रह जाते हैं। तो इन्होंने बोला था हम संडे को क्लीनिंग करेंगे, और फ्री ऑफिस था, इन्होंने बोला यार मुझे तो संडे को भी ऑफिस जाना है, तो हम तो सोच रहे थे सफाई वगैरह करने की, तो इन्होंने बोला कि चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा दोपहर में अभी रुक जाओ, अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो, क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोए थे और बच्चों के साथ पता ही है आपको कितने काम हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा रुक जाओ मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो 1-2 घंटा, फिर उसके बाद करेंगे। तो हम लोग 5 बजे से हम लोग सफाई में लग गए थे, पूरे मतलब तीनों कमरों के हमने फ़ैन वगैरह क्लीन किए, और कुछ लाइट वगैरह भी चेंज करनी थी, क्योंकि विंटर्स में ना हम जो पुराने टाइम में एक बल्ब नहीं हुआ करते थे पीली लाइट जो करते थे, तो विंटर्स में ना वो वाले बल्ब लगाते हैं, तो वो हटा के अब वो CFL लगा दिया। वो देखो जाके मतलब 2 घंटे हो गए हैं हम लोगों को, तो पूरा जब ऊपर का एरिया पूरा साफ़ किया, जाले वगैरह भी क्लीन किए, तो जो अलमीरा होती है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर लगा के रखे तो डस्ट वगैरह कम ही होती है ना, अलमारी गंदी नहीं होती है, तो न्यूज़पेपर वगैरह भी सारे चेंज किए, और उसके बाद उसमें जो भी सजाने का सामान था या जो भी सामान था वो रखना था वो भी रखा,
झाड़ू वाड़ू ये सब करके बस पोछा नहीं हुआ है। कल संडे है, अब मैं कल पोछा करूंगी। अभी शाम भी हो गई है, फिर अभी डिनर का भी टाइम होने वाला है, तो अब खाना बनाऊंगी। तो आज का दिन हमारा ना क्लीनिंग में ही जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर हो रही है एसी की सर्विसिंग। हनी के चाचू ने अपने एसी की सर्विसिंग के लिए बुलाया हुआ था इन्हें, तो इन्होंने बोला कि मैं भी करा लेता हूँ, क्योंकि वही है संडे, तो फिर इन्हें ऑफिस ही जाना था। तो मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, करा लो, अच्छी बात है, निपट जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब एसी चाहिए ही होगा थोड़े दिनों में। तो वही है, पूरा दिन क्लीनिंग में आज चला गया है। तो इसी के साथ ही मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।